हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अजय सवन क्लासेस में। पानी और टंकी हमारी क्लास चल रही है। पहले वीडियो में हमने 4 से 5 जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं इसके, उस पर हमने बात किया था। आज 1, 2, 3 और 4 टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं आपके, सेम टाइम एंड वर्क और ये पाइपिंग सिस्टम दोनों सेम टाइप का है। जितना पैटर्न उसका होता है, जितने तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम तरीके से क्वेश्चन यहाँ भी होता है। तो अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो समझिए आपका पाइपिंग सिस्टम क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर है। देखिए समझते अपन क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो नल क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में किसी टंकी को भरते हैं। ठीक है, दोनों एक साथ यदि खोल दिए जाएं तो पहले नल को कितने घंटे बाद बंद किया जाए कि पूरा का पूरा हौज 4 घंटे में भर जाए। क्लियर है, ठीक है। देखिए ए जो है 6 घंटे में और बी जो है 8 घंटे में भरता है। क्लियर है, दोनों को एक साथ खोला जाए। ठीक, तो सबसे पहले टोटल निकाल लेते हैं। तो LCM के थ्रू टोटल कितना आ जाएगा आपका, 24। तो 24 को करने में ये 6 लेता है तो इसकी कैपेसिटी कितने की होगी, 4 की। 24 को भरने में ये 8 लेता है तो इसकी कैपेसिटी कितने की, 3 की। क्लियर है। अब देखिए इस 24 को भरने के लिए यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो इन दोनों को जब एक साथ खोला जाएगा तो इनकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 4 और 3 7 की। तो इन दोनों की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 7 की। क्लियर है, तो देखिए जब दोनों मिलके भरेंगे तो 7 तिया 3 घंटे में, 7 तिया कितना होता है, 21। तो 24 में 21 भर देंगे। क्लियर है, बोल रहा है कि ए 6 घंटे में, बी 8 घंटे में, तो टोटल कितना, 24। इसकी कैपेसिटी 4, इसकी कैपेसिटी 3। यदि दोनों को खोल दिया जाए तो पहले नल को कितने घंटे बाद बंद करें कि पूरा का पूरा नल 4 घंटे में भर जाए। तो देखिए 7 तिया कितना, 21, 7 तिया 21। तो 24 में 21 भरा गया कितने घंटे में, 3 घंटे में। अब बचा कितना है 24 भरने के लिए, 3 बचा है। समझिए 24 को भरने के लिए दोनों मिलके 7 का कैपेसिटी आएगा, तो 7 तिया 21 मतलब 3 घंटे में टोटल में से 21 भरा गया तो बचा कितना, 3। अतः इसको बंद कर दिया जाए, इसको अगर बंद कर देंगे तो देखिए जो 3 बचा है इस 3 को कौन भर देगा, बी भर देगा। तो बी, देखिए इस 3 को भरने के लिए ये बी आएगा तो बी का कैपेसिटी कितना है, 3 का, तो ये कितना घंटा लगाएगा, 1 घंटे। तो देखिए दोनों को भरने में 3 यहाँ घंटा लगा, 3 घंटे यहाँ लगा और 1 घंटे यहाँ लगा, तो 3 और 1 टोटल कितना घंटा लग रहा है, 4 घंटा। पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले नल को कितने घंटे बाद बंद करें, तो देखिए पहला नल को हमने बंद कर दिया, कितने घंटे बाद बंद किया, 3 घंटे। यही क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर है, कितने घंटे बाद किया हमने, 3 घंटे, ताकि पूरा का पूरा नल 4 घंटे में भर जाए। क्लियर है, ठीक, ओके, बढ़ते आगे। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, दूसरा टाइप है आपका। देखिए ये धारिता वाला बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसी टंकी के 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है। समझिए बात को, ये आपका कोई टंकी है, ये टंकी अगर यहाँ तक भरा है मतलब ये 1/4 भाग है, और 1/4 भाग भरा है इसका मतलब है वो 135 लीटर पानी रखा है। तो 1/4 भाग का ही वैल्यू कितना है, 135 लीटर। ठीक, तो जब भी फ्रैक्शन फॉर्म पे आते हैं अपन परसेंटेज यूज करते हैं, तो 1/4 भाग एक्चुअल में होता कितना है, 25%। तो 25% का ही वैल्यू कितना है, 135 लीटर। तो 1% की वैल्यू 135/25 मतलब कितना हो जाएगा, 5 × 10, 5 × 10, 5 × 7 = 35 और 5 × 5 = 25। 1% का वैल्यू 27/5, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 27/5 × 100 मतलब ये 20 और 27 × 54 540। अगर ये पूरा भरा रहता मतलब समझ जाइए कितना लीटर था पानी, 550 लीटर, अगर इसकी धारिता पूछती तो। पर क्वेश्चन ये पूछ रहा आपको कि 180 लीटर अगर पानी भरा हो तो इस टंकी का कौन सा भाग, ठीक है, इस टंकी का कौन सा भाग भरा हुआ है। तो समझ लीजिए 540 का कितना परसेंट 180 है, तो कितना परसेंट निकालेंगे, तो 180 × 100 कितना, 540। तो देखिए ये शून्य कैंसिल, 18 × 18 = 54 और 1/3 कितना परसेंट होता है, 33 सही 1/3%। यहाँ से आएगा आपका 100/3, तो 33 सही 1/3% कितना होता है आपका, 1/3। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, 100% की वैल्यू निकालेंगे। बोल रहा है कि यहाँ तक जो भरा है 1/4 भाग, तो 135 लीटर पानी आता है। 1% की वैल्यू, 100% की वैल्यू, जितना भी भाग वो आपको पूछ रहा है आप बता सकते हैं। क्लियर है, एक क्वेश्चन और करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए दूसरे में आते हैं अपन। किसी टंकी में 350 लीटर पानी भरा है, यदि टंकी का 3/10 भाग खाली हो तो पूरी टंकी भरने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी देखिए
ये क्या है आपका टंकी है मान लीजिए, है ना। तो किसी टंकी में 350 लीटर पानी भरा है, टंकी में 350 लीटर पानी भरा है, ये 350 लीटर पानी यहाँ तक का है, 350 लीटर पानी। तो बोलता है टंकी का 3/10 भाग खाली है, ये जो है 3/10 भाग खाली है, तो यही हमारा क्या होता है ओरिजिनल नंबर। हम नंबर सिस्टम और परसेंटेज में इसकी बात कर चुके हैं, क्लियर है ना। तो ओरिजिनल नंबर कितना है 10, तो 10 में 3 भाग खाली है, 3/10 भाग खाली है, तो 10 में 3 भाग खाली है, इसका मतलब 7 भाग भरा है, 7 भाग भरा है, क्लियर है। हमारे हिसाब से 10 में 3 भाग खाली है तो 7 भाग भरा है, पर क्वेश्चन कितना बोल रहा है 350 लीटर पानी भरा है, तो 7 भाग भरा है इसका मतलब कितना 350 भाग भरा है, 350 लीटर पानी भरा है, तो 7 भाग का वैल्यू 350 लीटर, तो एक भाग की वैल्यू निकालेंगे तो 350 लीटर बटे 7, तो एक भाग में कितना पानी आ रहा है 50 लीटर पानी आ रहा है, एक भाग में 50 लीटर, तो पूरे 100 भाग में 100% मानते हैं ना, 1% का वैल्यू 50, तो 100% भाग नहीं, हमारा टोटल भाग कितना, ओरिजिनल नंबर कितना है 10 भाग है, तो एक भाग में 50 लीटर पानी, तो 10 भाग में कितना 500 लीटर पानी, एक भाग एक का वैल्यू 50, तो 10 का वैल्यू कितना 500, अतः पूरी टंकी को भरने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता है 500 लीटर की, क्लियर है। एक बार और समझिए, इतना भाग इसका भरा है तो कितना है 350 लीटर, और 3/10 भाग खाली है, तो 10 में 3 भाग खाली है इसका मतलब 7 भाग भरा है, तो 7 भाग का ही वैल्यू क्या है 350, तो एक भाग का वैल्यू 50, तो 10 भाग का वैल्यू कितना 500 लीटर, क्लियर है। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, देखिए अगला बोलता है कि किसी टंकी में 450 लीटर पानी डालने पर, क्लियर है, कोई टंकी है, इस टंकी में 450 लीटर पानी डालने पर 9/16 भाग ही भर पाता है, क्लियर है। जब यहां तक आप 450 लीटर पानी भरते हैं, 450 लीटर, तो 9/16 भाग ही भरता है, ठीक, 450 लीटर में 9/16 भाग भरता है, मतलब यही अब क्या हो गया आपका ओरिजिनल नंबर, ये क्या हो गया आपका ओरिजिनल नंबर। देखिए 16 में 9 भाग ही भराया है, 16 में 9 भाग ही भराया है, मतलब 7 भाग खाली है, 16 में 9 भाग भराया है, तो 9 का ही वैल्यू क्या है 450, तो 1 का वैल्यू 9 एकम 9 पंचे, तो 1 का वैल्यू कितना 50, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, तो पूरी टंकी की धारिता बताइए, तो पूरी टंकी की धारिता, तो पूरी टंकी का टोटल कितना भाग है 16 भाग, एक भाग का वैल्यू कितना 50, तो 16 भाग का 16 पंचे 80, 800 लीटर। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको, क्लियर है। 450 लीटर मतलब 9/16 भाग ही भराता है, तो टोटल कितने भाग हैं 16 में सिर्फ 9 भाग भरा रहा है, तो 9 भाग का ही वैल्यू 450 लीटर, तो 1 का वैल्यू 50, तो 16 का वैल्यू कितना 800 लीटर, क्लियर है। ओके बढ़ते हैं आगे, अगला देखिए, अगला कॉन्सेप्ट है आपका, दो पाइप 20 मिनट 25 मिनट में भरते हैं, अलग अलग दो पाइप, एक जो है भरने में 20 मिनट लगाता है और दूसरा जो है उसको भरने में 25 मिनट का समय लेता है, ठीक। तो पहले टोटल देख लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला फॉलो करेंगे, तो टोटल देख लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, तो इसका कैपेसिटी 5 और इसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा 4। अब क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, दोनों पाइप क्रमशः अलग अलग 20 मिनट और 25 मिनट में भरते हैं, यदि बारी बारी से एक एक मिनट में खोला जाए, यदि दोनों पाइप को बारी बारी से एक एक मिनट में खोला जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी, क्लियर है। तो टोटल कितना है 100 है, तो देखिए पहले ए चलेगा, फिर एक मिनट के बाद इसको बंद करेंगे, दूसरे मिनट में बी चलेगा, फिर अगले मिनट में ए बंद हो बी बंद होगा ए चलेगा, फिर अगले मिनट में बी बंद होगा ए चलेगा, बारी बारी से टाइम एंड वर्क में अल्टरनेटिव क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले इसकी कैपेसिटी कितनी है 5, पहले मिनट में 5 भराएगा, ठीक, फिर से दूसरे मिनट में मतलब फिर से एक मिनट में मतलब एक मिनट के बाद ये बंद हो गया, अब ये चलेगा, फिर अगले मिनट में ये बंद हो जाएगा, फिर अगला चलेगा, तो देखिए एक मिनट में ये 5 भरेगा, फिर से ये एक मिनट में 4 भरेगा क्योंकि ये बंद हो गया, फिर ये क्रमशः चलेगा, तो देखिए एक और एक कितना 2 मिनट, तो समझिए 2 मिनट में टोटल 100 में से 2 मिनट में कितना भरा गया 5 और 4 9, एक मिनट 1 मिनट, 2 मिनट में 5 और 4 9, 2 मिनट में 100 में से 9 भरा गया, तो अब अपने को 100 के करीब चलना है, तो देखिए 11 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो मेथड जो हमने टाइम एंड वर्क में बहुत अच्छे से सिखा है, तो 11 के इसके नज़दीक ले जाना है, तो 11 नहीं है कितना 99, तो 11 का गुना यहाँ, तो यहाँ भी 11 का गुना, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 मिनट,
ग्यारह दूनी कितना हो गया 22 मिनट, और ग्यारह निया कितना 99। तो देखिए 100 भरना है, 22 मिनट में 99 भराया है, 22 मिनट में 99 भराया है, मतलब 22 मिनट लगी रहे हैं, अब 99 भराया है तो 100 में 99 भरा गया, बचा कितना एक, बचा कितना है एक। अब इस एक को इन दोनों में कौन भरेगा देख लेते हैं। तो एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट, चार मिनट, मतलब 22 मिनट तक चलेंगे। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस। तो इस एक को कौन भरेगा, फिर से पाँच भरेगा, तो 22 से ही एक बटा पाँच। और वैसे भी हमने टाइम एंड वर्क में सीख लिया है कि अगर सम आता है तो सम वाला लास्ट होगा, ऑड आएगा, ऑड आता है तो ऑड वाला लास्ट है, सम वाला आएगा, क्लियर है। तो अतः जब बारी बारी से एक एक मिनट के बाद खोलते जाएंगे तो 22 मिनट एक से ही, 22 से ही एक बटा पाँच मिनट में भर जाएगा अगर बारी बारी से चला तो, क्लियर है। अगर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, लास्ट है आपका इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमने लगभग लगभग कवर कर लिया, ठीक है। देखिए, देखते हैं इसमें अगला बोल रहा है कि दो नल एक साथ एक तालाब को 12 घंटे में भर सकते हैं। दो नल, मान लीजिए नल ए है और नल बी है, दोनों मिलके 12 घंटे में किसी तालाब को भर लेते हैं, क्लियर है। फिर बोल रहा है तो पहला वाला जो नल है, सॉरी क्वेश्चन, दो नल एक साथ एक तालाब को 12 घंटे में भरते हैं, यदि पहला नल अकेले 20 घंटे में इसको भरता है, ऐसा क्वेश्चन, यदि पहला नल अकेले इसको 20 घंटे में भरता है तो दूसरा नल इसे कितने घंटे में भरेगा, क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अभी दो नल एक साथ एक तालाब को 12 घंटे में भरते हैं, यदि पहला नल अकेले 20 घंटे में उस तालाब को भरता हो तो दूसरा नल उस तालाब को कितने घंटे में भर देगा, ठीक है। देखिए टोटल निकाल लेंगे, इसका कितना हो जाएगा फिर से 60, तो इसकी कैपेसिटी कितनी 5, और इसकी कैपेसिटी कितनी 3, ठीक है ना। तो दोनों मिलके 5 कैपेसिटी, और इस अकेले का कैपेसिटी 3। तो देखिए इस बी के साथ में कौन है, ए है, तो ए को तो कैंसिल करना पड़ेगा अपने को, तो ए के अकेले की कैपेसिटी कितनी है 3, दोनों का 5 है, जब ए इसके साथ में है तो 5 है, तो ए को हटाएंगे मतलब यहाँ से 3 हटा देंगे, तो 5 में से 3 हटा देंगे तो बचेगा कितना 2, मतलब इस टोटल को भरने में अब बी का कितना आएगा 2, तो बी कितना टाइम लेगा 30 घंटे का समय लेगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर है, समझिए। दोनों मिलते हैं तो 5 है, मतलब B के साथ में A है तभी 5 है, और A का अकेले कितना है 3 है, मतलब इस 5 में A है मतलब अपना 3 लेके गया है, तो B का खाली यहाँ पे कितना है 2 है, तो इस 60 को करने में 2 कैपेसिटी लगाएगा B, तो टोटल कितने घंटे में 30 घंटे में उस तालाब को अकेले B भर देगा, क्लियर है। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बने रहिए कल की क्लास हम करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, चाल समय और दूरी, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, अच्छा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, और आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, नमस्कार।